ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। सूखी आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं, ये कैसे होगा? तो जब पतझड़ का मौसम रहता है तो पेड़ से अपने आप ही पत्ते गिरने लगते हैं। तो जो आम के पेड़ के पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो 21 पत्ते आम के इकट्ठा कर लें। ध्यान रखना, तोड़ना नहीं है, जो गिरे पत्ते हैं उन्हीं को उठाना है। फिर उन 21 पत्तों को जलाकर भस्म यानी कि राख बना ले। फिर जिस स्त्री या पुरुष को चर्म रोग हो, जैसे कहीं खुजली हो रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, चमड़ी का कलर चेंज हो रहा हो, कहीं दांत खुजली हो गई हो, या कैसा भी चर्म रोग हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शाम के समय प्रदोष काल में उसी राख को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर बाबा से अपने रोग समाप्ति के लिए विनती कहकर फिर उसी शिवलिंग पर से उसी राख को उठा लीजिए और घर ले आइए। किसी डिब्बी आदि में उस राख को यानी उस भस्म को रख लीजिए, वो भी गाय का घृत उसमें डाल करके। फिर उस गाय के घृत में मिले हुए भस्म को उस चर्म रोग पर लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 दिन में चर्म रोग समाप्त होने लग जाएगा, क्योंकि इस भस्म में इतनी प्रबलता आ जाती है। हर हर महादेव।